Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ritu and my today's video is all about Amazon haul. So ये इसका second part है. Previous मैंने share किया था, उसमें trouser और top दोनों include करे थे because दोनों video mess हो चुकी थी. कुछ product मुझे इसके मिले थे, कुछ इसके मिले थे, so that's why मैंने दो पार्ट में इनको डिवाइड किया. सो नाउ सेकेंड पार्ट ये वाला है जिसमें कुछ ट्राउज़र्स मिलेंगे और कुछ टॉप्स मिलेंगे. सो उसमें भी एक ट्राउज़र पैंट मुझे रिसीव नहीं हुआ, बट डोंट माइंड. सो जितने भी मेरे को प्रोडक्ट मिले हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो माई वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस ट्राउज़र. बेसिकली ये आपको ना थोड़ा सा डिफरेंट मिलने वाला है, समथिंग गुची काइंड ऑफ बेल्ट है इसमें. सो इसमें ना 4 से 5 कलर्स अवेलेबल हैं और इसको मैंने लिया है अंडर 399 रुपीज़ में या आई थिंक 350 रुपीज़ में. कई चीज़ बहुत लाइट वेटेड है, वाओ, बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट वेटेड है एंड स्ट्रेच भी इसका काफ़ी अच्छा है. सो एज़ आई टोल्ड यू कि मैंने अंडर 350 और 399 में लिया है और इसका जो मैंने साइज़ पिक किया वो एस पिक किया है एंड कहीं से बहुत सही लग रहा है मुझे. लाइक इसका जो कलर है वो आपको लग रहा होगा कि ये लाइट लग रहा है, बट या मैंने यही कलर लिया था, समथिंग ग्रेश और ब्लूइश मिक्स कलर है ये, कुछ डिफरेंट है बिकॉज ब्लैक में हमेशा लेती रहती हूँ. तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि डिफरेंट कलर ले लूँ. सो स्पेशली लाइक ये ऑफिस वेयर के लिए बहुत सही है, कुछ इस तरीके का ये है, जिस तरीके का ये है एक्चुअली. सो क्या बोल रही हूँ मैं, सो जिस तरीके का ये है उसके अकॉर्डिंग ये ना ऑफिस वेयर के लिए परफेक्ट है. सो इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है और जैसे मैंने बोला 3-4 कलर्स अवेलेबल है, जैसे कि ग्रे, ब्लू, इस तरीके से कलर्स अवेलेबल हैं. और यहाँ पर ना आपको इसे चैन मिल जाएगा बेसिकली, और ये ना जस्ट सो पीस के लिए ऐसे दिया हुआ है. बटन वैसे तो नहीं, नहीं ओपन नहीं होगा और इस तरीके से आप गुजी काइंड में ऐसे बेल्ट टाइप में मिल जाएगा. सो अच्छी चीज़ है कि इसमें दोनों साइड में प्रॉपर बड़ी बड़ी पॉकेट मिल जाएंगी और ये इसका पूरा फ्रंट लुक है. और इस तरीके के ना ट्राउज़र पैंट्स ना बेसिकली शर्ट्स वगैरह के साथ काफ़ी जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं. किसी भी तरीके की आप शर्ट वेयर कर सकते हो इसके साथ. सो जैसा मैंने बोला, ये मैंने ग्रे कलर में लिया है, ब्लैक कलर ले सकते हो. ये आपको नीचे से इस तरीके से एंकल लेंथ प्लस नहरों में मिलेगा. गाइज ये इतना कंफर्टेबल रहेगा, ट्रस्ट मी. फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है और बहुत लाइट वेटेड है. आप बहुत हैवी पैंट्स वगैरह पहन के जाते होगे जो कि समाज में बहुत ही अनकंफर्टेबल करती होगी, लेकिन ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं करेगा. किसी इसमें शाइन दिख रही होगी, यस इसमें शाइन है. सो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसका लाइट वेट लगा है और स्ट्रेच, और इतना हल्का सा है ना कि पहनने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगी, स्पेशली समर्स में. नेक्स्ट आई हैव दिस ट्राउज़र पैंट विच इज़ इन पिंक कलर. एक्चुअली ये काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो. सो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी फ्रंट से. इसमें बटन दिया हुआ है, हैव अ लुक, बट इसमें पॉकेट नहीं दी हुई है और ऊपर ना कोई भी इलास्टिक वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, जस्ट ये फैब्रिक है जो कि स्ट्रेचेबल है. यहाँ पर एक इस तरीके से ब्लैक बटन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लोज़र जिप दी हुई है और कुछ भी नहीं है, जिस फ्रंट पर आपको इस तरीके से स्टिचिंग वगैरह मिल जाएंगी. नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट में है, फैब्रिक पॉलिस्टर का है. आई थिंक कि मुझे इसमें कोई और कलर पिक करना चाहिए था. स्ट्रेच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बाकी अच्छा है, फिटिंग वगैरह इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही अच्छा है, ट्रस्ट में बहुत अच्छा है. लेकिन इसमें ना पॉकेट अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ थोड़ा सा मैस है. बट अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगी कि इसमें ना इलास्टिक नहीं दिया हो, बिकॉज इलास्टिक की वजह से ना कभी कभी फिटिंग अच्छी नहीं आती. तो ये मेरे को बहुत ही अच्छे फिट में आया. आई रियली लाइक दिस. मैं ब्लैक कलर हो तो ले लेना बिकॉज पिंक कभी कभी किसी किसी चीज़ों के साथ नहीं जाता इसके लिए. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट आई हैव दिस टॉप जो कि मैंने आई थिंक 300 रुपीज़ में लिया है, जिसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं एंड मैंने इसे स्मॉल साइज़ में लिया है और थोड़ा सा टाइट लगा, लेकिन पहनने के बाद मेरे को परफेक्ट लगा. बाकी इसमें ना आपको फुल स्लीव मिलेंगी ये, एंड ये क्रॉप टॉप है बेसिकली. तो आपको इसमें ना बहुत सुंदर सी इस तरीके की फ्रिल मिल जाएंगी, इवन शोल्डर पर भी इस तरीके की सुंदर सी फ्रिल दी हुई है. और गाइस ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था पहनने के बाद. जब मुझे मिला तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन पहनने के बाद ये मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था, स्पेशली ब्लैक जीन्स के साथ बहुत ही अमेजिंग लग रहा था. तो पूरे में आपको इसे स्ट्रेच इलास्टिक अप्लाई किया हुआ है. अब लो फैब्रिक में स्ट्रेच है बट उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, तो आप एक साइज़ अब भी ले सकते हो. मुझे भी लगा कि एस की जगह मेरे को एम ले लेना चाहिए, बाकी इसमें बहुत सारी कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हो. एंड ये बहुत क्यूट और सुंदर लगता है पहनने के बाद. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट आई हैव दिस टॉप. बहुत ही सुंदर और सिंपल सा टॉप है ये बेसिकली. जिन लोग भी लॉन्ग चाहिए थे, क्रॉप टॉप नहीं चाहिए थे, फुल स्लीव में टॉप चाहिए थे, क्योंकि मेरे को वैसे चाहिए थे कई बार. सो इसके लिए मैंने ये लिया और बहुत ही अच्छा है, बहुत कम्फर्टेबल है. मैंने इसको लिया है अंडर 300 रुपीज़
साइज़ में, और इसमें मैंने साइज़ पिक किया है एस, विच इज़ फ्रॉम कैच ब्रांड। एंड मुझे ना रील्स पर भी कमेंट आए थे कि कुछ लॉन्ग फुल स्लीव्स के टॉप दिखाओ ऑफिस कॉलेज के लिए, तो दिस वन इज़ काइंड ऑफ दैट। तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा, एंड मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था ब्लैक जीन्स के साथ। सो बेसिकली आपको फ्रंट से ना कुछ इस तरीके से नेक मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से छोटू से होल मिल जाएगा, एंड इसका जो फैब्रिक है वो रिब वाला फैब्रिक है, और स्ट्रेच आप खुद ही देख लो, बहुत अच्छा स्ट्रेच है। वैसे तो मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा एम साइज़ मुझे ले लेना चाहिए था। बाकी पूरा प्रॉपर आपको नीचे से लेंथ मिलेगी, फुल स्लीव सी हुई है, एंड इसका कलर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बैक से बिल्कुल प्लेन है, और आई रियली लाइक दिस। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइम गोना शेयर दीज थ्री प्रोडक्ट्स। A lot of people face concerns like pigmentation and dark spots due to excessive sun exposure, hormonal changes and increase in melanin production. The Dermaco Kojic Acid range comes to your rescue with 1% Kojic Acid face wash with power of 2 actives, Kojic Acid and Alpha Arbutin. This face wash reduces dark spots, pigmentation and makes the skin radiant and clearer. It has an amazing non-drying formula which is super gentle on the skin that does not strip out the essential moisture. It is suitable for all skin types. Follow it up with 2% Kojic Acid Serum that penetrates deep into the skin to reduce hyperpigmentation, dark spots and blemishes. 80% of users show reduction in pigmentation with regular use. After cleansing your face with 1% Kojic Acid face wash, slowly apply 3-5 drops of the serum on your entire face and neck area. Massage gently until the serum gets absorbed. It is advisable to apply the serum at night. Follow it up with broad spectrum sunscreen in the daytime. And when using active ingredient, it is very important to use a broad spectrum sunscreen to avoid sun damage. 1% hyaluronic tinted sunscreen gel by the Dermaco that is light to weight gives you an uneven skin tone and protection from UVA and UVB rays. It has SPF 60, PA plus and added benefit of the moisture booster. 1% hyaluronic acid which makes your skin glowing and moisturized. It is physical sunscreen that make it super safe for people with sensitive skin. Kojic acid lighten the dark spot, treats melasma and decrease the appearance of scars. Alpha arbutin control the production of melanin and gently even skin tone. नेक्स्ट आई हैव दिस टॉप। एक्चुअली इस तरीके के फैब्रिक में टॉप बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहे हैं, और ये मतलब जो मल्टी कलर में और इस तरीके का एस्थेटिक प्रिंट में जो चल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो ये मैंने लिया स्मॉल साइज़ में, और इसका जो प्राइस है अराउंड 600 रुपीज़ में, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगा। इसका स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है। तो ये इसकी स्लीव्स है, ये होता है एक्चुअल क्रीव फैब्रिक, इतना सॉफ्ट और बिल्कुल मलमल जैसा लग रहा है मेरे को ये। तो ये इसकी स्लीव्स है जिस पर इस तरीके का प्रिंट हो रखा है। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, आपको पिंक, रेड, बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। मेरे को ये ब्लू बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये ब्लैक के साथ भी जाएगा, ब्लू जीन्स के साथ भी जाएगा। सो बेसिकली इट्स अ क्रॉप टॉप, नॉट एग्जैक्टली क्रॉप टॉप, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे बांधना है, आप कैसे बांध कर कैरी करना चाहते हो। तो ये इतनी लेंथ में मिलेगा आपको। हैव अ लुक, कि इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है, पूरा आपको ना ट्रायल में समझ में आ जाएगा। ये बांध कर आपको ऐसे तरीके से पहनना होगा, और स्लीव्स इसकी बहुत सुंदर लगती है, लाइक फ्रिल फ्रिल वाली। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई रियली लव दिस वन। सो बाकी ना इसमें एज आई टोल्ड यू बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, बस प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, अकॉर्डिंग टू फैब्रिक क्वालिटी तो अच्छा है, लेकिन बेसिकली हम क्रॉप टॉप पे थोड़ा कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे ये अच्छा लग रहा है। वैसे तो स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी वगैरह के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन स्टिल ये 400 कर देते ना तो ज़्यादा बेस्ट है। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली इसका प्रिंट, इसका लुक, इसका फैब्रिक, आई रियली लव दिस। आई हैव दिस शक टॉप, दोनों बोल सकते हो आप इसको। बेसिकली मैंने इस तरीके का एक टॉप ऑलरेडी लिया हुआ था, वो इससे काफ़ी डिफरेंट है, उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे मिला है। बेसिकली इसका जो फैब्रिक है ना, वो आप देख लो, रिप्ड वाला फैब्रिक है, एंड इसमें ना बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। ये मैंने लिया है अराउंड 350 रुपीज़ और 400 रुपीज़ में, और इसे मैंने पिक किया है स्मॉल साइज़ में। बेसिकली इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, तो आप एक बार इसका लुक देख लो, ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। फुल स्लीव्स मिल जाएंगे आपको इस तरीके से, एंड यहाँ पर ये पूरा ओपन है, एक
इस तरीके से दोनों साइड में रिबिन मिल जाएगा, तो आप इसे बांध कर भी पहन सकते हैं, ओपन करके भी पहन सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इवन आप इसको उल्टा करके भी पहन सकते हैं, जैसे कि बैक साइड में आप इसको ले लो और फ्रंट साइड में जो बैक पोर्शन है आप उसको ले लो। सो बेसिकली बहुत क्रॉप नहीं है ये, काफ़ी अच्छी खासी लेंथ में आपको मिल जाएगा फैब्रिक। एज आई टोल्ड यू कि रिप्ड वाला फैब्रिक है और काफ़ी स्ट्रेचेबल फैब्रिक है एंड बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको ये ब्राउन कलर नहीं पसंद आ रहा तो आप डिफरेंट कलर पिक कर सकते हो। बाकी नॉर्मल सा है, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ट्राई ऑन पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। स्टिचिंग वगैरह काफ़ी नीट एंड क्लीन है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। टॉप रख सकते हो, इसमें ब्लैक भी है क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, या वाइट क्योंकि उनके साथ सारी चीज़ें पैर अप हो जाती हैं, तो आप वाइट या ब्लैक भी ले सकते हो। ये था मेरा आज का हॉल वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते रहिए कि आपको नेक्स्ट हॉल वीडियो किस पर चाहिए। सो बाय, लव यू हॉल।